Hello children, here I am your English literature teacher Mrs. Anita Jaiswal, and today we will do lesson number 6, the magic wrap. The very name magic wrap, magic, what does magic mean? Magic means जादू. हम सभी को जादू बहुत पसंद है. और wrap, कोई भी चीज़ को जो हम लपेटते हैं उसे wrap around करते हैं, यानी wrap करते हैं. तो wrap, the very name suggest, लपेटने वाली चीज़, यानी कि कोई चादर या स्टोल. तो हम पूर्व काल से ही देखते रहे हैं कि कुछ नया जो कीवदंतियाँ होती है कहानी बाय वर्ड ऑफ माउथ, ये पिता पुत्र को, पुत्र आगे की जनरेशंस को, इस तरह से वो कहानियाँ बन जाती. इसी तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में देर आर स्टोरीज अबाउट ग्रीक माइथोलॉजीज, कहानियाँ हैं अर्चना के बारे में. अर्चना वॉज अ स्किल्ड वीवर हु इन हर प्राइड चैलेंज अथीना द गॉडेस ऑफ विस्टम टू कंटेस्ट. अथीना पनिश्ड हर बाय टर्निंग हर इनटू अ स्पाइडर. अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक्स दिस व्हाई स्पाइडर्स आर स्किल्ड एट स्पिनिंग वेब्स. तो यहाँ पे ये कहानी हम देखते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार अर्चना एक बुजुलाहा था, बहुत ही अच्छा वो बुनाई करती थी. तो उसने घमंड में आकर करके अथीना गॉडेस ऑफ नॉलेज को उसने चैलेंज किया और अथीना ने उसे पनिश किया, सजा दी और उसे एक मकड़ी बना दिया. तो ये कारण है कि क्यों मकड़ी जो होते हैं इतने निपुण होते हैं बुनाई करने में. इसी तरह से एक और कहानी है जो कि नार्सिसिस के बारे में है. नार्सिसिस द हंटर वॉज इन लव विथ हिज ओन ब्यूटी रिफ्लेक्टेड इन वॉटर. सो स्मिटन वॉज दैट ही कुड नॉट लीव द साइड ऑफ द स्प्रिंग एंड वेस्टेड अवे इवेंचुअली टर्निंग इन टू अ वाइट नार्सिसिस फ्लावर. द नार्सिसिस ग्रोज बिसाइड वॉटर बेंडिंग इन टू इट. तो नार्सिसिस फ्लावर के बारे में हम ये देखते हैं कि नार्सिसिस फ्लावर किस तरह से बना. नार्सिसिस एक हंटर था, यानी एक शिकारी था. एक दिन वो अपना छवि पानी में देखा तो उसको देख करके अपने इस छवि से इतना प्यार हो आया, इतना प्यार हो आया कि वो बार बार पानी के किनारे जाता था और देखता था. तो वो एक नार्सिसस फूल में बदल गया जो कि हमेशा नदी के किनारे या पानी के किनारे उगता है और उसकी रिफ्लेक्शन परछाई हर समय पानी में रहती है. तो ये दो स्टोरी हुए. और इंडियन स्टोरी है गारो ट्राइब्स के बारे में जो कि हम देखते हैं. The state of Assam is the home of many tribes. Each tribe has its own traditional customs and beliefs and its own treasury of folk tales. The following is a folk tale popular among the Garo tribes of Assam. The Garo call themselves Achmande, meaning men of the hills. They believe that their original homeland is the Tibet. Nobody knows when this story was first told, but it has been doing the rounds for generation. तो गारो ट्राइब्स के बारे में है और वो अपने आप को बताते हैं कि वो तिब्बत से आए हैं. और इनके बारे में ये है, वो पहाड़ों में रहते हैं इसीलिए उनको अचमंडे कहते हैं, यानी पहाड़ों में रहने वाले. और इनके बारे में ये कहानी है कि उनकी कहाँ से शुरुआत है पता नहीं. और इन्हीं के एक कहानी हम बताएंगे कि मोर किस तरह से मोर बना, किस तरह से उसके सुंदर सुंदर पंख हैं. तो ये एक जादुई कहानी है जो कि हम देखेंगे. इसमें क्या होता है, लेट अस सी इन दिस स्टोरी. In the village of Assam, there once lived a chief of the Garo tribe. His ancestors had been chiefs before him, so he was a rich man. His house was made of the sturdiest bamboo in the land, while its doors and windows were draped with the finest cane matting. Silk carpets lay on the floor, and copper lamps gleamed from recesses in the walls. So, हम देखते हैं कि जो मुखिया था गारो ट्राइब का और उनके पूर्वज जो थे सारे चीफ्स थे, मुखिया थे, और उनका जो घर था वो
sturdiest bamboo. Children, please underline the words which have been underlined and the meanings have been written so that there is no problem for you. It has been done for your benefit. So please underline the words and also write down the meanings. Sturdiest means hardest, strong. So his house, उनका घर जो था सख्त बैम्बू means बांस की लकड़ी से बना हुआ था और खिड़की दरवाजे पे चीक की मैटिंग थी, यानी पर्दे थे चीक के. सिल्क कारपेट्स ले ऑन द फ्लोर्स, कारपेट्स पे सिल्क, जमीन पे सिल्क कारपेट्स थे. एंड कॉपर लैम्प्स ग्लीम्ड इन द रिसेस इन द वॉल्स. द चीफ एंड हिज फैमिली, रिसेस इज ताखा, दीवार में जगह रहती है, वहाँ पे लैम्प्स वगैरह रखते हैं, उसे ताखा कहते हैं. द चीफ एंड हिज वाइफ लेड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इन डीड. दे लव्ड देयर होम एंड द ब्यूटिफुल वुडन कंट्री इन विच दे लिव, बट मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड देयर डॉटर. शी वॉज द ओनली चाइल्ड, गुड नेचर्ड एंड लवली टू लुक एट. द चीफ एंड हिज वाइफ डोटेड ऑन हर. तो हम देखते हैं कि चीफ और वाइफ बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीते थे और इस सुहाना वुडन कंट्री साइड में, यानी कि पहाड़ों पे वो रहते थे. बट लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा वो क्या किससे प्यार करते थे, अपनी प्यारी सी बेटी से. और दे डोटेड ऑन हर, डोटेड ऑन हर मतलब अपना जान छिड़कते थे उस पर. When the girl grew up, she fell in love with a young man of her own tribe. Her parents liked the boy and the marriage was settled. After marriage, the bride and the groom were to move in with the chief and his wife. So we see, क्या होता है कि जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई she, और वो एक अपने ही कबीले के नौजवान से प्यार करने लगी. दोनों की शादी हो गई और दोनों ही शादी के बाद चीफ के घर पे आ गए. ऑन द ईव ऑफ द वेडिंग द गर्ल्स मदर टुक हर असाइड एंड सेड, माई चाइल्ड द एज वेडिंग गिफ्ट्स आई एम गिविंग यू गारमेंट्स मेड ऑफ सॉफ्टेस्ट सिल्क. आई एम ऑल्सो गिविंग यू ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड स्टडेड विथ रूबीज एंड एमरल्ड्स. बट वंस मोर गिफ्ट आई एम गिविंग यू एंड दैट टू मी इज द मोस्ट प्रेशियस टू ऑफ देम ऑल. तो माँ उसे कहती है वेडिंग के दिन, शादी वाले दिन, कि मेरी बेटी मैं तुम्हें तोहफा दे रही हूँ, सबसे मुलायम सिल्क के वस्त्र दे रही हूँ, इसके अलावा ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने सोने के बने हुए हैं, स्टडेड जिसमें रूबीज यानी कि मानिक और एमरल्ड्स यानी कि पन्ना जड़ित हैं. स्टडेड मीन्स जड़ित हैं. बट वन मोर गिफ्ट, और इसके अलावा मैं एक और दे रही हूँ तुम्हें तोहफा जो कि बहुत ही खास है इन सब तोहफों में से. द मदर सेड समथिंग अंडर हर ब्रेथ, माँ ने कुछ अपने सांस के नीचे कहा. देन अनलॉकिंग अ स्टाउट वुडन कास्केट, स्टाउट मीन्स लार्ज एंड स्टडी, वुडन लकड़ी का कास्केट संदूक. शी टोल्ड शी टुक अप अ रैप फ्रॉम मेड ऑफ सिल्क एंड एम्ब्रॉयडर्ड विथ 1000 फ्लावर्स इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो. तो उसमें से उसने एक रैप यानी कि ओढ़ना निकाला जिसमें वो जो कि सिल्क का था और उसमें कढ़ाई की हुई थी. एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स कढ़ाई की हुई थी फूलों से, और उसमें सारे रंग थे. किसके रंग थे? रेनबो के, इंद्रधनुष के. दे शॉन सो दे डैजल द लाइट, इतने चमक रहे थे कि आँखों को चकाचौंध कर दे रहे हैं. और जब बेटी ने उसे देखा तो उसने कहा, ओ मदर, क्राइड द चाइल्ड स्ट्रेचिंग आउट हर हैंड ईगली टू टच द रैप. तो देखकर लड़की इतनी प्रभावित हो गई कि उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया उसे छूने के लिए. बट हर मदर कॉशनड हर, माँ ने उसे रोका, डोंट यू टच दैट रैप बिफोर यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट. तुम उसे छूना नहीं, उसके पीछे जो कहानी है पहले जान लो. दिस रैप इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉडेस टू माई ग्रेट ग्रैंड मदर ऑन हर वेडिंग डे. तो ये जो रैप है मेरी माँ को मेरी परदादी और उनकी परदादी ने दिया था, और इसे गॉडेस ने भगवान ने दिया था अपने हाथों से.
or but it is no ordinary rap. Before you touch it, you must chant a magic spell that I shall tell you. Remember, a great disaster shall befall anyone who touches the rap without first chanting the spell. So remember this, that if anyone touches the rap before chanting the spell, something very bad will happen. So be very careful, be very cautious, and do not touch it. And after that we see, the girl soon learnt the spell. She assured her mother that on no account would she touch the rap without first chanting the spell. So bahut jaldi ladki ne इस स्पेल को, यानी कि जादुई मंत्र को, स्पेल इस मंत्र को सीख लिया और उसने माँ को आश्वासन दिया. अश्योर्ड हर मीन्स आश्वासन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिना मंत्र को बोले वो नहीं उसे छुएगी. द फॉलोइंग डे द गर्ल वॉज मैरिड एंड बिगेन टू लिव हैप्पीली विद हर हस्बैंड, बट ही न्यू नथिंग अबाउट द सीक्रेट ऑफ द रैप. तो अगले दिन शादी हो गई और खुशी खुशी वो अपने पति के साथ रहने लगी. द ईयर्स रोल बाय, द चीफ एंड हिज वाइफ ग्रू ओल्ड एंड डाइड. देयर डॉटर एंड हर हस्बैंड वर लेफ्ट बाय देमसेल्फ इन अ स्पेशियस बैम्बू हाउस. द रैप स्टिल रिमेन्ड इन द गर्ल्स पोजिशन. शी नेवर वोर इट फॉर द फियर ऑफ स्पॉइलिंग इट, बट समटाइम्स शी टुक इट आउट ऑफ द कास्केट एंड हेल्ड इट अप सो the embroidered flowers caught the light and shone like jewels. Once a year she aired it and locked it right back. She never forgot to chant the spell before touching the rack, but her husband still did not know what lay inside the casket and never asked. So we see that the girl, they both moved out to the bamboo house they lived. The with time the husband and her parents, they died. And still this precious gift was in the possession of the daughter. Once a year she aired it, but her husband did not know anything about this gift. After that we see, one day the chief's daughter felt that it was time she aired the rag. She chanted the magic spell under her breath and unlocked the wooden casket. Then, carefully lifting up the wrap, she spread it in out so the gentle mountain air could blow over it. For a while, she stood there, unable to tear herself away from the glowing colors. And then suddenly she remembered that her husband had asked her for a dish of crabs for his midday meal. Leaving the wrap where it was, she picked up the basket and set out aside for the nearby stream to look for crabs. So we see that now this girl, once a year she aired the rap, यानी कि हवा दिखाती थी, धूप दिखा देती थी ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और उसके बाद मंत्र बोल करके वो ये काम कर देती थी. एक दिन उसने इसी तरह से उस रैप को हवा में सुखा दिया और पहाड़ों की खुली हवा बह रही थी और वो उसे अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी. तभी उसे याद आया कि हस्बैंड ने उसे क्रैब यानी केकड़े खाने के लिए कहा था दोपहर के खाने में, मिड डे मील मतलब दोपहर के खाने में. तो उसने जल्दी से अपनी टोकरी उठाई और पास की नदी की ओर वो चली गई. एज शी हरीड डाउन द पाथ टू द स्ट्रीम शी मेट हर हस्बैंड. चूँकि वो पहाड़ों पर रहती थी तो ऊपर से नीचे नदी की ओर आई और रास्ते में उसे अपने पति से मुलाकात होगी. उसने कहा कि आप ध्यान रखिएगा उस रैप पे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बरसात हो, चाहे हेल स्टॉम्स, पत्थर गिरे बर्फ के, तब भी आप उसे नहीं छुएंगे. द हस्बैंड हर्ड हर दो ही डिड थिंक ऑल दैट फस ओवर मियर रैप वाज क्वाइट अननेसेसरी. सून आफ्टर हिज वाइफ हैड लेफ्ट बैक थंडर क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई एंड इट बिगन टू रेन. द मैन गॉट वरीड, ही कॉल्ड आउट to his wife as loud as he could, but the thunder was louder. It completely drowned his voice. His wife was hurrying home just then, but the path was uphill and she could not walk fast enough. So we see that the itna fuss, yani ki itne us chhuiyega nahi mein ye sab jo patni ne pati se kaha tha, pati ne kaha ye sab bekar ki baatein hain,
लेकिन वो उसके बाद जैसे ही वो गई तो बहुत तेज़ तेज़ आंधी आने लगी, पानी आने लगा और बर्फ़ भी गिरने लगा। अब ये देख करके पति को घबराहट हुई कि अगर हमने उसे जल्दी से नहीं हटाया, उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, बहुत तेज़ आवाज़ दी, लेकिन क्या हुआ कि उसकी आवाज़ दब गई, इतने तेज़ आंधी तूफान थी कि आवाज़ दब गई और पत्नी तक नहीं पहुंच पाई। सून द रेन टर्न्ड इनटू हेल। नाउ द मैन गॉट रियली अलार्म्ड। अनलेस ही डिड समथिंग अबाउट इट क्विकली द रैप वुड बी रुइन्ड। फॉरगेटिंग ऑल अबाउट द वार्निंग ही रश्ड आउट एंड ग्रैब्ड द रैप टू विस्क इट अवे इंडोर्स। बट ओ हॉरर्स, द मोमेंट ही टच्ड द रैप ही फेल्ट हिमसेल्फ चेंज इन अ फ्लैश। He had turned into a large, beautiful bird, while the brightly colored wrap turned into the feathers and tail. Just then, the wife came rushing in with a cry. She caught hold of one end of the wrap that remained and tried to snatch it away from the husband. But the moment she touched it, she turned into a female bird. So we see the husband called out, but and he got alarmed with the raindrop. So he said, unless he did something, the wrap would be spoiled. So he went out and he quickly took the wrap from and he took the wrap and tried to put it indoors. The moment he touched it, he turned into a bird, and his feathers and the tail, they were the brightly colored flowers of the wrap, they turned. So we see to jam jis chhan pat पति ने देखा बहुत तेज़ आंधी आ रही है, अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ख़राब हो जाएगा वो ओढ़ना। तो वो गए और जाकर जल्दी से उसे पकड़ा, तो जिस क्षण उन्होंने छुआ तो देखा कि पंख और जो पूंछ थे वो सुंदर उस ओढ़ना की तरह हो गया है। उसी तरह उसी समय पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और उसने एक छोर पकड़ा, और जब वो छोर पकड़ी तो वो एक मोरनी बन गई। लेकिन चूँकि पति ने ज़्यादा उसे पकड़ा था तो उसके पंख और पूंछ बहुत सुंदर हैं, लेकिन मोरनी के उतने सुंदर नहीं है। दीज टू बिकेम द पीकॉक एंड द पी हैन। द मैन हैड कॉट अ लार्जर पोर्शन ऑफ द मैजिक रैप, एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई पीकॉक्स फेदर्स आर फार मोर ब्राइटली कलर देन दोज ऑफ द पी हैन, एंड ही हैज सच गॉर्जियस टेल। द पीकॉक एंड पी हैन फ्लू आउट ऑफ द हाउस। They went to live among the other birds, now in the forest, now in the fields, looking for grains, tender green shoots. The peacock remains a most beautiful bird, but is always worried about his feathers. When storm clouds gather in the sky and thunder rumbles in the air, the peacock bursts into loud cries. People believe he does this because he is afraid that the rain might spoil the gorgeous colors. So we see what happens. The peacock and the peahen, these two turn into the moment they had touched the wrap, and after that they went out from the house into the fields. They flew out of the house and they went among the birds, lived among the birds. Sometimes they can be seen in the forest, sometimes in the fields, picking up grains and the shoots of tender green shoots. Peacock remains. Now the peacock always gets worried when it rains, and it cries out aloud because it is afraid that the rain might spoil the beautiful colors of its feathers and its tail. तो हम देखते हैं कि मोर और मोरनी दोनों अपने घर से बाहर निकल गए, और बाहर निकल कर के कभी खेतों में तो कभी ये जंगल में नज़र आते और खेतों में अनाज उठाते, या फिर नन नन मुलायम टहनियाँ पेड़ों के वो खाते। आज भी पीकॉक सबसे सुंदर पक्षी कहलाता है, और वो जब भी बहुत तेज़ बारिश होती है वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाता है, इसलिए चिल्लाता है कि उसके पंख खराब ना हो जाए। सो दिस इज द वीडियो चिल्ड्रन, एंड वी विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो।